तोड़फोड़, स्टेशन पर बवाल, पुलिस ने भांजी लाठी तो उस पर भी हो गया पथरा, हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। ये तस्वीर है उस आक्रोश की, जिसे आप भी सुनेंगे तो आपका भी गुस्सा कुछ ऐसे ही फूट पड़ेगा, आप भी इंसाफ के लिए सिस्टम से ऐसे ही भिड़ जाएंगे। बता देंगे, ये तस्वीर है महाराष्ट्र के ठाणे की, जहां बदलापुर में 4 साल की 2 स्कूली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसके बाद तो लोगों का गुस्सा चरम पर चढ़ गया। सैकड़ों की तादाद में लोग स्कूल के बाहर और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जमकर हंगामा किया। पहले तो लोगों ने स्कूल का गेट बंद कर हंगामा किया, स्कूल पर पथराव किया और जमकर तोड़फोड़ की। स्कूल में क्लासरूम के शीशे फोड़े गए। लोगों का ऐसा गुस्सा देख पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। स्कूल में हंगामे के बाद प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां पहले तो रेल की पटरी पर बैठकर प्रदर्शन किया। स्टेशन पर लोगों का हुजूम देखिए, इंसाफ के लिए जनता का ये गुस्सा देखिए। बदलापुर स्टेशन पर लोगों को हटाने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके चलते 3 घंटे तक इस रूट पर लोकल ट्रेन प्रभावित रही। पुलिस ने काफी समय तक लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों का आक्रोश और ही बढ़ता चला गया। मासूम बच्चियों के इंसाफ के लिए लोगों का ये गुस्सा देख रहे हैं ना? बता दें कि 4 दिन पहले 4 साल की छात्राओं के साथ स्कूल के ही एक सफाई कर्मचारी ने शौचालय में छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने इस आरोपी के साथ ही उसके अन्य साथियों को भी अरेस्ट कर लिया है, लेकिन गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है। बदलापुर के इस बवाल से करीब 50 किलोमीटर दूर राजधानी मुंबई भी हिल गई है। सड़क के संग्राम से सियासी गलियारों का पारा हाई हो गया है। महाराष्ट्र सरकार हिल गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा एक्शन लिया है। स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले में फडणवीस के आदेश पर SIT का गठन हो गया है, जो घटना की जांच करेगी, और स्पेशल IG आरती सिंह की अध्यक्षता में SIT जांच में जुट गई है। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और कहा कि पीड़ित बच्चियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। ये जो आरोपी है, जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पे जो कलम लगाए हुए है वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस लेके जाएंगे। सुना आपने कैसे इस घिनौनी घटना के बाद सिस्टम एक्शन को लेकर अपनी तैयारियां बता रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं कैसे रुके इसके लिए सिर्फ लकीर पीट रही है। एक और जहां सरकार एक्शन की दुहाई दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी सियासत से बाज नहीं आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप में जुट गई है। शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि बदलापुर ही नहीं, देश में कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो BJP के लोगों का है, लेकिन मैं मामले में राजनीति नहीं करना चाहता, इसीलिए जो भी दोषी हैं, चाहे वो BJP कार्यकर्ता हो या कोई और, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल सियासत तो अपने काम पर लग गई है, लेकिन कोलकाता कांड के बाद 2 मासूम बच्चियों के साथ ऐसी गंदी बात ने लोगों के छिपे गुस्से को सड़क पर ला दिया है। लोगों की ऐसी राक्षसी मानसिकता का आखिर क्या इलाज होना चाहिए, ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP Live।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।